कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे। चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। पूर्व सीएम ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई है। भरे बाजार में डकैत मेहमान की तरह आए और उसी तरह गए। अभी तक पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 11 सितंबर की शाम तक पुलिस डकैतों को पकड़ने और माल बरामद नहीं कर पाती है तो 12 सितंबर को रावत पद यात्रा करेंगे। देहरादून से सचिन कुमार की रिपोर्ट। यहां तक नौबत है, आज व्यापारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए तो डकैत नहीं पकड़े गए तो, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन श्री सुरेश जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो नकाब पहन के भी नहीं आए, पर उनको चीफ मिनिस्टर से कहना चाहिए कि भाई आपकी पुलिस बड़ी असमर्थ साबित हुई है और इसमें आप चीटा आ रहा है, और अब इस मामले में भी उनको सुरेश जोशी को बजाय कांग्रेस की तरफ इशारा करने के श्री पुष्कर धामी से सवाल बनता है।